राणा साहब, आपकी टीम तो मैच नहीं जीतती लेकिन आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, क्या आपके पास ऐसा गुर है? यार कोई गुर नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रेजेडी हीरो होता है ना, लोग जो हैं वो शायद उसको पसंद करते हैं जो कि लूज करता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। 4 साल से बॉटम पे, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज आई डोंट नो। तो क्या क्लास लेंगे, टीम की क्लास बनती है? नहीं बिल्कुल बनती है, लेकिन वो हर दफ़ा प्लेयर्स भी कुछ चेंज होते हैं, कोई नए सिरे से अब दोबारा बैठेंगे, सर जोड़ेंगे। टीम बहुत अच्छी थी, 5 हमारे मेन जो बैट्समैन थे वो बीच में से निकल गए, कैप्टन जब आपका चला जाए, हफीज़ जो था जिसकी डिपेंडेंस, ये भी डिविलियर चला गया, मतलब कॉलर्स ब्रेथवेट चला गया, और मतलब लैमेचर ने बीमार है, शहनशाह अफरीदी जो है वो सर। लेकिन ये रीज़न नहीं है कि मतलब वी शुड हैव डन बेटर। अच्छा राणा साहब, चले ये बताएं कि आप क्योंकि बड़े दिल के मालिक हैं, आप हमेशा बड़ी बात करते हैं, वो लाखों नहीं करोड़ों लाहौर कलंदर से शायकीन जिनके दिल टूटे हैं, खिलाड़ी तो आपके उनसे माफ़ी मांगे ना मांगे, आप उनसे जो है ना वो करेंगे कि यार आपसे तवक्कुआत होती है और आपकी टीम नहीं जीत पाई? मैं मतलब दिल की गहराइयों से माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ पूरे जिंदा दिलाने लाहौर से, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो ट्रस्ट दिया है, आई एम सॉरी टू ऑल माई लाहौर फैंस, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। आई डोंट नो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या लेके चलेंगे, अच्छा, अभी तो बहुत दुख। सीरियस एक बात है, बहुत ज़्यादा ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कल का मैच जो था क्वेटा और कराची का, उस मैच को जो है वो बनाया गया आपको बाहर करने के लिए, क्या इन खबरों में सदाकत है कि आपको भी ये तफ़ज़ा करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, हमें खेलना चाहिए था, अब ये क्या बात हुई कि हम अबू धाबी के अंदर हम 20 रन 7 ओवर 5 आउट और हम मैच ना जीते, मैं नहीं समझता, मैं इस बात पर बिलीव ही नहीं करता। मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, ज़िंदगी में मैंने ऑनेस्टी सीखी है, और मैं आई डोंट नो, मतलब वी आर हार्ट ब्रोकन ऑब्वियसली। एक बहुत बड़ी, मेरा बहुत यकीन था कि मैं इस दफ़ा, हाँ फेयर गेम हुई अब तक जितने मैचेस हुए, मुझे तो फेयर लगी है सर, मैं तो अपने हार हार के थक गया, मुझे तो कुछ नहीं पता, भरल के ऑब्वियसली वी शुड हैव वॉन, वी कपल ऑफ मैचेस वाज वेरी वेरी क्लोज। तो क्या समझते हैं कि अब आदत हो गई है लाहौर को हारने की? नहीं प्लीज़ नहीं, मैं आई एम रियली रियली सैड। अच्छा चलिए ये बता दें कि बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि टीम की शर्ट का कलर आपको रास नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि लाहौर कलंदर का नाम रास नहीं आ रहा, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, टोटकों पे आप भी बिलीव रखते हैं? नहीं देखिए, ये जब वो कहते हैं ना कि जो ऑर्फन्स होते हैं, दे हैव नो फादर यू नो, एंड द विनर्स आर हैव मैनी फादर, तो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने लाहौरियों से वादा किया था, वी पुट अप अ गुड टीम, लेकिन मेरा कैप्टन ही चला गया, ए बी चला गया, मेरा आई वॉज हार्ट ब्रोकन, बट वी कुड हैव डन बेटर दैन वट वी हैव। अब क्या तब्दीली के साथ आएगी लाहौर कलंदर सीज़न 4 में सीज़न 5 में जब आएगी? तो जाहिर है सर, ये तो नहीं हो सकता ना, अकाउंटेबिलिटी तो हो गई है, तो नहीं हो सकता कि हम बगैर उसके, लेकिन ये लीग है, इसके अंदर आप फॉरेन प्लेयर्स का एक रोल है, एक डोमेस्टिक प्लेयर का रोल है, पाकिस्तान का पूल बड़ा लिमिटेड है, उस पूल में देखें हमने कितनी मेहनत की हफीज़ को लेने के लिए, पूरा साल उस पर मैं काम करता रहा, जलमी से बात कर, क्वेटा से बात कर, फिर लिया जाके, तो पाकिस्तान में इतना जो कैप्टेंसी का जो पूल है वो बड़ा लिमिटेड है हमारे पास, तो T20 में कैप्टन इज़ अ मेजर। अच्छा लास्ट ये बता दें कि क्या आकिफ जावेद को तब्दील करेंगे, कोचेज में आप तब्दीली लाएंगे या इस मरतबा भी सिर्फ खिलाड़ी तब्दील होंगे, कोचेज वही होंगे क्योंकि कोचेज वही हैं और रिजल्ट भी वही है? नहीं वो कोचेज के क्या, कोचेज ने खेलना सर जी, आप मुझे बताएंगे कोचेज ने तो नहीं करना, जो आकिफ जावेद की कमिटमेंट है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, मुझे आप एक आदमी बता दें जो लोहिया की सड़क के ऊपर रात को सोएगा, अगले दिन उसने बच्चों का ट्रायल लेना है, उसकी कमिटमेंट है, ठीक है वो हम उसमें देखेंगे, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट, आके अकेला कोच तो नहीं है वहाँ पे, आपने देखा है हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस हैं, हमारे पास मंसूर राणा है, हमारे पास KKR के कोचेज हैं, तो वो मेरा नहीं कहना, मैं ब्लेम नहीं करना चाहिए। आज नींद आएगी? नहीं कल नहीं आई बिल्कुल, आई रियली रियली टायर्ड, मुझे आज बुखार भी है और
लास्ट के बाद के बाजार पे आप चादर चढ़ा के आए थे, क्या मन्नत मांगी थी सेवन सेंचुरी जाके? मैंने कलंदर की जीत के लिए नहीं थी मांगी, मैंने कहा कि हम नौजवानों के लिए जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे से वो दुआ निकलती नहीं है कि मैं जीतने की दुआ करूं। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम सब जीते, पाकिस्तान जीते, हमारा हम इकट्ठे रहें। 120 मिलियन की यूथ है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूं तो मैं चाहता हूं अल्लाह ताला मुझे उसकी हिम्मत दे और कलंदर भी जीते। और मैं कलंदरों के पास गया था दुआ करने के, हमसे कोई कुताही हो गई है, गुस्ताखी हो गया तो मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आगे जाके, पता नहीं इस पर क्या अल्लाह की मर्जी है, क्या कलंदरों की मर्जी है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें, एबीडी विलियर जो है वो नहीं आए पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि उन्होंने आईपीएल खेलने जाना था इसलिए पाकिस्तान नहीं आए, क्या आप भी समझते हैं ऐसा है? नहीं, देखें, गलत बात है, ये लोग ऐसे नहीं है। एबीडी विलियर ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेटमेंट दे के मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ना आए, वो वैसे भी मुझे कह सकता मैं नहीं आया। हमें तो पता है ना कि कोचेज ने, जो हमारे फिजियो थे, उन्होंने कहा कि इट्स अ क्रिमिनल दैट ही इज प्लेइंग, ही शुड नॉट हैव प्लेड टू मैचेस, उससे और उसकी वर्स्ट होगी उसकी बैक। जब वो गया तो दे आस्क हिम कि यू कांट मूव इट। फवाद साहब, आप राणा साहब बहुत मोहब्बत करते हैं मुल्क से, भारत ने अभी जो है वो आर्मी कैप पहनी भारत के खिलाड़ियों ने, तो क्या आप भी जवाब देंगे सीजन 5 में जब लाहौर कलंदर आएगी तो उनकी टोपियाँ, क्या आर्मी कमांडोज की टोपियाँ या कलर? वो तो जवाब दे दिया ना ख्वाजा ने, हमारे पाकिस्तानी ने सेंचुरी करके, तो हमारी तो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और उन्होंने टोपियां पहनी और हमारे ख्वाजा ने सेंचुरी मार दी। बात यह है कि हमारे दिलों के अंदर है पाकिस्तान, हमारी फ़ौज, अगर हमारी फ़ौज को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहला आदमी हूँगा जो उनके साथ बॉर्डर लाइन पर खड़ा होगा। थैंक यू।